गुड मॉर्निंग। तो चलिए थ्योरी ऑफ मशीन में आज हम स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना और स्लाइडर की वेलोसिटी निकालना सीखते हैं। ओके चलिए तो पहले चीज़ों को समझ लेते हैं। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें मेरा स्लाइडर जो है इनर डेड सेंटर पे है। ये स्लाइडर है जो कि इनर डेड सेंटर पे है। तो जब स्लाइडर इनर डेड सेंटर पे होगा तो क्या होगा, क्रैंक का पोजीशन कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरीके से होगा और कनेक्टिंग रड, ये कनेक्टिंग रड है। ओके तो ये क्रैंक, कनेक्टिंग रड, स्लाइडर और ये फिक्स्ड लिंक, तो ये चार लिंक है। स्लाइडर क्रैंक का एक पोजीशन है जहाँ पे स्लाइडर क्रैंक जो है इनर डेड सेंटर पे है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जिसमें यह कहा गया है कि यह क्रैंक जो है एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज में 60 डिग्री पे रोटेट करता है। कहाँ से रोटेट करता है, जहाँ से ये हमारा जो स्लाइडर है ये इनर डेड सेंटर पे है। तो जब ये है तो इस पोजीशन से 60 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज हमें इस क्रैंक को रोटेट करना है, तब जो इस पूरे मैकेनिज्म का पोजीशन होगा उस पोजीशन में हमें स्लाइडर का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम जो पिछले 4 बार लिंक मैकेनिज्म का वीडियो, आप प्रीवियस वीडियो जो इस टॉपिक पे हैं मेरे सारे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें से देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा हो। तो आप इसे क्या करेंगे, हम इसका सबसे पहला काम है कि कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, मतलब कि मैकेनिज्म का स्केलेटन या लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और ये लाइन डायग्राम आपको हेल्प करेगा वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने में। तो सबसे पहले काम हम चलते हैं लाइन डायग्राम, या उसको आप कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम कह लीजिए, वो ड्रॉ करते हैं इस मैकेनिज्म का। तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए हमने आपको बतलाया था कि सबसे पहला काम है कि हम पहले स्केलिंग कर लें, एक सूटेबल स्केल जिससे पूरा डायग्राम हमारे पेज प्लेन पेपर जिसमें भी हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं उसमें आ सके। तो हम यदि देखें तो हमारे क्वेश्चन में कनेक्टिंग रड, इसका लेंथ 1.6 मीटर और इसका लेंथ जो है 480, मतलब कि 480 mm, मतलब कि लगभग दोनों को मिला दिया जाए तो ये 2 मीटर का रेंज है। तो पूरा 2 मीटर तो आपके पेज में आ नहीं सकता है। तो हम जनरली क्या कर लेते हैं कि 480 को यदि हम 24 mm कर लेते हैं, मतलब कि 1:20, और उसी के हिसाब से इसको कर लें तो लगभग छोटा सा डायग्राम बनेगा जो मेरे पेज में आराम से विजिबल होगा और आ जाएगा। तो हम, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको यदि लगता है कि आप और बड़ा फिगर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, जितना बड़ा डायग्राम होगा उतना रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। बट हम यहाँ पे 1:20 का स्केल ले रहे हैं। स्केल मेरा क्या है, 1 mm इक्वल टू 20 mm। ओके मेरे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम का 1 mm एक्चुअल 20 mm को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम यदि लाइन ड्रॉ करें, सपोज दिस इज माय पाइवट, तो यहाँ से क्रैंक का लेंथ 480 है, 480 mm। तो यदि 1:20 करें तो हमको यहाँ से इसका मतलब 24 mm का क्या होगा, क्रैंक ड्रॉ करना होगा अपने कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में। तो मैंने स्केलिंग कर लिया है, ये मेरा 24 mm को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ से एक सर्कल ले लेता हूँ। ओके तो ये एक मेरा सर्कल बन गया है जो कि बतला क्या रहा है, क्रैंक का रोटेशन बतला रहा है कि क्रैंक इसी पाथ पे मूव करने वाला है। अब हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि ये जो क्रैंक का टर्न्स है इनर डेड सेंटर से 60 डिग्री है, मतलब कि ये 60 डिग्री रोटेट करे तो ये इधर से इधर आएगा और इसका मोशन एक्चुअली क्या होगा, यहाँ तक होगा और यहाँ से हो सकता है इधर इसी तरह से मूव करेगा। तो 60 डिग्री हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं। ओके मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन एज्यूम कर लिया था पहले ही, तो चलिए 60 ये मैं इस लाइन को मिला लूँ तो मिलाता हूँ, तो मैं पूरे वहाँ से नहीं खींचूँगा। ओके तो ये जो पोजीशन है आपका, ये क्या बतला रहा है, रेड लाइन क्रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें ये कहा गया है कि मेरा जो कनेक्टिंग रड है, कनेक्टिंग रड का लेंथ है
1.6 मीटर, मतलब कि 8, यदि हम उसको 20 mm से डिवाइड करें, 20 से, तो मेरा लगभग आ जाएगा आपका 80 mm के अप्रॉक्स। तो यहाँ से 80 mm, जो कि मेरे हॉरिजेंटल लाइन को भी टच कर, क्योंकि ये स्लाइडर जो है, ये स्लाइडर तो अपनी जगह से मूव होगा नहीं, ये इसी पे स्लाइड करेगा, तो पोजीशन यहाँ से हम इसके लेंथ का कनेक्टिंग रड मार्क कर लेते हैं, या तो फिर इसी से मार्क कर लेते हैं डिवाइडर से। तो ये मैं 80 mm मार्क कर रहा हूँ। तो ये 80 mm का जो पॉइंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरे स्लाइडर के पोजीशन को बतलाएगा, जो कि स्लाइडर इस पाइवट से भी हॉरिजेंटल पे है और यहाँ से ये 1.6 मीटर की दूरी पे है, जो कि लाइन डायग्राम में मेरे 80 mm को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसे ड्रॉ कर लूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग रड। तो ये फोर बार मैकेनिज्म थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें एक चीज़ का मोशन हमें पता ही होता है पहले से ना, स्लाइडर कभी भी मूव करेगा तो इसी डायरेक्शन में करेगा, तो इसमें ये कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो इस मामले में देखें तो फोर बार मैकेनिज्म की तुलना में ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाता है। अब क्या होगा, स्लाइडर मेरा यहीं पर होगा, ओके, तो स्लाइडर की पोजीशन मिल गई। तो ये बन गया आपका लाइन डायग्राम, या इसी को कन्फिग्रेशन डायग्राम कह सकते हैं, और जिसमें ये जो है 60 डिग्री एंड ये कनेक्टिंग रड है, एक्चुअल में तो 1.6 मीटर ही है, चलिए यहाँ पे 80 mm था तो 80 mm ही लिख लेते हैं, और ये कितना है 24 mm, ओके, तो ये 24, 80 और ये। अब यहाँ से आप आसानी से इस इंस्टेंट का, इस पोजीशन का एक्चुअल एंगल पता कर सकते हैं, कि लिंक का, कनेक्टिंग रड का क्रैंक से कितना एंगल है, स्लाइडर का कनेक्टिंग रड से कितना एंगल है, ये हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। और हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, बस यही मेजर कर लेते हैं, ओके, तो ये जो एंगल आ रहा है आपका अप्रॉक्स 105, तो ये जो मेरा एंगल आया डिग्री, ये 60 था तो ये कितना बच गया, 115, ये बच गया मेरा 15 डिग्री। तो अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में मेरे पास क्या क्या गिवन हो गया, इसका लेंथ, मतलब सभी का लेंथ हमें पता है, ये तो लेंथ मेजर कर ही सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ पता है सबका, एंगल पता है सबका, और साथ ही साथ पता ये है कि ये जो क्रैंक है ये रोटेट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, जिसका रोटेशन हमें पता है 20 रेडियन पर सेकेंड, तो इसका ओमेगा पता है। तो अब हम सक्षम हैं वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, तो अब हम ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी डायग्राम, मगर उससे पहले नाम नेमिंग कर दिया जाए, ओ ए ओ ए बी, और इसको ये जो फिक्स लिंक है इसको चलिए कुछ नाम दे देते हैं सी, ओके, तो चलिए हम वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए अब लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं क्रैंक का, उसके बाद वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए रिलेटिव टू ओ, ये क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू आपको आएगा आर ओमेगा, ओ ए का लेंथ, ओ ए इंटू ओमेगा, जो कि है कितना, ओ ए का लेंथ एक्चुअल में 480 है, इंटू ओमेगा 20, 9600 एम एम पर सेकेंड,
इसको हम लिख सकते हैं 9.6 मीटर पर सेकेंड, चूँकि ये मीटर में 10 के रेंज में है तो हम मीटर में इसको रखते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ओके, अब हमें निकालना है स्लाइडर की वेलोसिटी, तो उसके लिए वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो चलिए वेलोसिटी डायग्राम आप ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम होगा फिक्स्ड लिंक से स्टार्ट करना। तो सपोज विजिबल है आपको, वन मिनट, ओके। तो चलिए आपको मिल गया क्या, ये पॉइंट जिसको हम नाम दे देते हैं क्या, ओ था तो छोटा ओ एंड ए। अब देखिए डायरेक्शन ए का, हम ओ ए की वेलोसिटी निकालें मतलब कि वी ए ओ, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या, ये 60 है 90 और हमको जाना होगा, 90 60 150, मतलब कि अगर हम इधर से मेजर करें तो 150 डिग्री ले लें या फिर इधर से मेजर करके 30 डिग्री ले लें, तो ये क्या जो बतलाएगा वो आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए ओ को। तो हम पहले एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं जिससे हम सारा मेजरमेंट करेंगे। मैंने ऐसे ही एक लाइन खींच लिया, ठीक है। अब इससे 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री अगर इधर से देखें तो ये आया, हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करना है मगर कितना, एक सवाल है। तो 9.6 यदि पूरा ले तो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं इसका हाफ ले लेते हैं, मतलब कि 1 mm जो है 2 meters पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करे, 1 centimeter जो है 2 meters पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करे। तो हमें इसके लिए कितना करना होगा, 4.8, मैं स्केल लिख दूंगा अभी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यार 4.8 करना है हमें, ओके। तो ये आ गया मेरा ए, तो ओ और ए, ये जो वेलोसिटी है ये ए का वेलोसिटी ओ के रेस्पेक्ट में। नाउ हमें क्या पता है स्लाइडर की वेलोसिटी कितनी है, नहीं पता, बट इसका जो डायरेक्शन है हमेशा क्या होगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा ये हॉरिजॉन्टली, इसका डायरेक्शन नहीं बदलने वाला है। तो हमें ये पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में जो जहाँ पे पाइवट था, ये इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होगा, कहीं ना कहीं मेरा डी एग्जिस्ट करेगा, सॉरी बी, बी का वेलोसिटी क्या होगा, बी पॉइंट कहाँ पे होगा, इसी में कहीं ना कहीं होगा। तो फिलहाल चूंकि हमें पता नहीं है तो इसे मैं एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ओके हो गया। अब क्या, बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में कितनी होगी पता नहीं, बट इस लिंक के परपेंडिकुलर होगी। तो हम इस लिंक से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब वो परपेंडिकुलर के लिए हमें कितना ड्रॉ करना होगा, तो देखिए ये जितना भी एंगल था इससे 105 हमें गए थे एंटी क्लॉकवाइज, इससे 105 एंटी क्लॉकवाइज गए थे तो हमें ये लिंक मिला था। तो इससे 105 एंटी क्लॉकवाइज यदि हम आए तो हमें कौन सा लिंक मिल जाएगा, लिंक ए बी का वेलोसिटी मिल जाएगा। तो अब ये चीज 125 आप इधर से ऐसे मेजर कीजिए चाहे इधर से ऐसे मेजर कीजिए, दोनों जो पॉइंट देगा वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इधर से ही कर लेते हैं ताकि आपको इजीली विजुअल हो, एक मिनट, ओके विजुअल है। तो 105 हो गया, ये पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया।
तो मेरा जो वेलोसिटी है बी का ए के रिस्पेक्ट में, ये इसी लाइन पे कहीं होगा, और इसी बी का वेलोसिटी क्या होगा, इस लाइन पे भी है बी का सी के रिस्पेक्ट में। ओके, तो बी पॉइंट जो है या तो इस लाइन पे भी होगा और इस लाइन पे भी होगा, तो ऐसा तो केवल एक ही पॉइंट है। पहले मैं इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, तो ऐसा केवल एक ही पॉइंट पॉसिबल है, दैट इज दिस, जो कि इस पे भी हो और इस पे भी हो। इसका नाम हमने क्या दिया, बी। मेरा सी कहाँ होगा, चूंकि ये फिक्स है तो जो जहां ओ वहां सी, क्योंकि दोनों फिक्स्ड लिंक है और दोनों का आपस में रिलेटिव मोशन जीरो है, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ओ और सी दोनों इसी पॉइंट पे, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे। अब क्या करते हैं, हम इसको मिला लेते हैं, एक ये एरो की जरूरत नहीं, एरो तो आप क्वेश्चन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यदि पूछा जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो एरो इधर हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो एरो पे नहीं जाना, बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, हम लोग को मैग्नीट्यूड इससे मिल जाता है, बाकी डायरेक्शन तो जो क्वेश्चन का होगा उसके हिसाब से आप डायरेक्शन चेंज कर लीजिएगा। तो एक ये, अब हमें क्या करना है, इनका लेंथ मेजर कर लेना है। इसका तो हमें पता था, इसका हमें कितना था पता था, 4.8 लिया था हमने, जो कि 9.6 मीटर पर सेकेंड को दिखला रहा था। स्केल लिख देता हूँ, मीटर पर सेकेंड, ये स्केल है 4.8, ये सेंटीमीटर में है। ओके, चलिए लिख देता हूँ इसका मेजरमेंट, ये 5 आया। एक्चुअल में कीजिएगा तो पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस आएगा, जब जितना करेक्ट कीजिएगा, मैं तो समझाते हुए आपको मोटा मोटी कर रहा हूँ, अंदाजा कीजिएगा। ये अप्रोक्स मेरा 2.6 आ रहा है, 2.6। नाउ यदि हमें पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, रेस्पेक्ट नहीं लगाया, यदि सिंपली किसी के रेस्पेक्ट में ना पूछा जाए, तो आप सीधा समझिएगा जहाँ जो फिक्स्ड लिंक है उसके रेस्पेक्ट की बात हो रही है, तो फिक्स्ड लिंक मतलब सी के रेस्पेक्ट में हो गया या तो फिर ओ के रेस्पेक्ट में। तो हम यदि स्लाइडर बी की बात करें, इसकी वेलोसिटी यदि पूछी गई है, तो आपको रिलेटिव टू ए बोला गया है, तब तो आप ये लेंथ लीजिएगा। लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि सिंपली वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, तो आप फिक्स्ड लिंक से लीजिएगा, और फिक्स्ड लिंक का पॉइंट ये है, तो ये जो लेंथ होगा ये क्या बतलाएगा हमें, ये जो लेंथ है ये हमें वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर विथ रिलेटिव टू फिक्स्ड लिंक बतलाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना है, 5, क्योंकि 5 एक सेंटीमीटर को हमने 2 माना है, तो 5 × 2 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, एंड दिस डायग्राम इज नोन एज वेलोसिटी डायग्राम, आप सभी जानते हैं। ओके, तो इस तरह तरीके से आप आसानी से किसी भी चीज का बता सकते हैं। किसी पॉइंट का भी पूछा गया होता तो यहां पे मार्क करते, उसी रेशियो में इसको मार्क करते, और आसानी से उस पॉइंट का डिस्टेंस के हिसाब से आप बता सकते हैं क्या होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम अब एक्सेलरेशन एनालिसिस की बात करेंगे। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए। ओके।